जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, आदिवासी समाज को बहुत बड़ा झटका लगा है। 33 में से 18 प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया जा चुका है, आगामी भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। दरअसल बात करें तो निर्वाचन आयोग ने आदिवासी समुदाय से समर्थित कुल मिलाकर 33 प्रत्याशियों में से 18 के नामांकन फॉर्म को निरस्त कर दिया है। फॉर्म में त्रुटि के चलते आदिवासी समुदाय समर्थित जो भी प्रत्याशी हैं, इनके नामांकन निरस्त हुए हैं। वहीं 21 अभ्यर्थियों के नामांकन मान्य पाए गए हैं, यानी 21 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। बता दें कि इस सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और इसका नतीजा 8 दिसंबर को आने वाला है। इस सीट में कांग्रेस से सावित्री मंडावी मैदान पर है, तो वही भाजपा से भी ब्रह्मानंद नेताप को प्रत्याशी बनाया गया है। ब्रह्मानंद वर्ष 2008 में भानुप्रतापपुर से विधायक चुने गए थे, लेकिन अगले दो चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था। गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक मनोज सिंह मंडावी के निधन की वजह से भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, और पड़ने लगी है कई इलाकों में कड़ाके की ठंड। कई जिलों में शीतलहर के हालात हैं, जगह जगह पर अलाव तापते अब लोग दिखाई दे रहे हैं। कितना लुढ़क चुका है पारा, इसके बारे में आपको बता दें तो उत्तर से और साथ ही साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया सहित कुछ जिलों में शीतलहर के हालात बने हुए हैं। साथ ही गौरला, पेंड्रा, मरवाही जिले में नवम्बर के महीने से ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। यहाँ पारा 11 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। पेंड्रा से सटे मध्य प्रदेश के अमरकंटक में पारा 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं इसका भी असर अब जिले के मौसम पर पड़ रहा है। जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक है। वहीं बात करें, बीते दिन सुबह राजधानी में भी हल्के बादल छाए रहे। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में हवा की रफ्तार 7 से 11 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। वहीं रात में लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आ रहे हैं। स्वेटर, साथ ही साथ रजाई और मफलर निकल चुके हैं। सुबह सुबह घना कोहरा भी होने लगा है और आने वाले दिनों में यहां कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही बात करें तो सैलानियों का आना भी अब यहां पर लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा, झोझा जलप्रपात में शुरू हो चुका है। बंजोर का सोनमुरा, धर्मपानी, लखनघाट सहित अन्य इलाकों में भी अब पर्यटकों का आना सिलसिला शुरू हो चुका है। शीतलहर के हालात बस्तर और सरगुजा में कड़ाके की ठंड की वजह से हो गई है। बस्तर, अंबिकापुर, पेंड्रा, कोरिया, मैनपाट, जसपुर समेत कई जगहों पर शीतलहर चल सकती है। 25,000 से अधिक संविदा कर्मचारी आज से राजधानी रायपुर में करेंगे अपना प्रदर्शन। दरअसल बात करें तो राजधानी का धरना स्थल सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बड़े धरने के साथ दिखाई देने वाला है। 2 दिवसीय मनोकामना पूर्ति पदयात्रा के लिए प्रदेश के कोने कोने से संविदा कर्मचारी रायपुर पहुँचने के लिए पदयात्रा करेंगे और पदयात्रा के लिए प्रदेश के कोने कोने से संविदा कर्मचारी रायपुर पहुँचने लगे हैं। रायपुर के होटल, धर्मशाला और इन संविदा कर्मचारियों से भरे हुए हैं। महासंघ भी इन कर्मचारियों के आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार नजर आ रहा है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कौशलेश तिवारी के मुताबिक वर्ष 2018 में अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी और उस हड़ताल के दौरान आकर वर्तमान मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार बनने की स्थिति में 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण करने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार बनते ही कांग्रेस अपना वादा भूल गई और विगत 4 वर्षों से केवल जानकारी एकत्र करने का झांसा दिया जा रहा है। सरकार की इस वादा खिलाफ से कर्मचारियों में रोष है और इसी रोष की परिणति में 19 और 20 नवंबर को प्रस्तावित मनोकामना पूर्ति पदयात्रा आयोजित करी जाएगी। 4,000 से ज्यादा गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। केवल 739 गांव को ऐसे हैं जिनको उत्कृष्ट का तमगा मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कहने के लिए तो 4,000 से अधिक गांव खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस घोषित हो चुके हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसियां और स्वच्छता सर्वेक्षण के आधार पर जारी सूचना में केवल 739 गांव ही ऐसे हैं जो खुले में शौच मुक्त मामले में उत्कृष्ट का तमगा मिला हुआ है। हालांकि मध्य भारत में सभी राज्यों की तुलना करें तो छत्तीसगढ़ की स्थिति
थोड़ी बेहतर है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड जैसे राज्यों को पछाड़ते हुए छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में 9 स्थान पर है। शौच मुक्त गांव के रूप में परफॉर्मेंस के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जारी की गए टॉप 10 राज्यों की सूची में तमिलनाडु 93% अंक के साथ देश भर में परचम लहरा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ अभी तक सिर्फ 2% गाँव ही पूर्ण रूप से ODF प्लस माने जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर की ग्राम पंचायतों को ODF प्लस किया जाना है और ऐसे में ODF प्लस उस गांव को कहा जाता है जहां कोई भी खुले में शौच ना करता हो। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान में ब्लास्टिंग का एक वीडियो जो है काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 40 फीट ऊपर तक धूल ही धूल उड़ती नजर आ रही है। कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों में इसकी वजह से नाराजगी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कोयला खदान में हुई ब्लास्टिंग का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ब्लास्ट करके कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद आसपास और ऊपर 40 फीट तक धूल ही धूल नजर आ रहा है। ब्लास्टिंग के बाद इलाके के कई घरों में दरारें भी आ गई हैं, कुछ घरों में कोयले भी गिरे हुए हैं। मामला SECL के कुसमुंडा खदान का है। कुसमुंडा खदान में इस तरह से आए दिन कोयला निकालने के लिए ब्लास्टिंग का काम किया जाता है। इसके लिए बारूद का इस्तेमाल होता है और फिर उसी बारूद के सहारे ब्लास्टिंग की जाती है, मगर इस ब्लास्टिंग का वीडियो सामने आ चुका है। हालांकि ये वीडियो कब का है ये फिलहाल पता नहीं चल सका है। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट फिलहाल दिखाई दे रहा है। बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल के नीचे और ऊपर जो है 2 बैराज बनेंगे। बस्तर को जल संकट से उबारने में मदद मिल सकती है। दरअसल गर्मियों में बस्तर में जल संकट की समस्या जूझने वाली जीवनदायिनी इंद्रावती नदी में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए 2 स्थानों पर बैराज प्रस्तावित किए गए हैं। ये बैराज चित्रकोट के नीचे और एक ऊपर बनाया जाएगा, जिसकी लागत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। की बात करें तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने मुख्य परियोजना में शामिल है। ऐसे में इसके निर्माण से बस्तर जिले में आने वाले दशकों में जल संकट की समस्या निजात में मिल सकता है। शहरीकरण और भविष्य में पानी की संकट को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार की ओर से इंद्रावती नदी में 2 बैराज बनाने की योजना है, जिसका सर्वे जल संसाधन विभाग की ओर से लगातार किया जा रहा है। इंद्रावती नदी में गर्मियों में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए 2 स्थानों पर बैराज हालांकि प्रस्तावित है। पहला बैराज जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात के बीच होगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 400 मीटर तक होगी। यह देवर गांव के आसपास बनाया जाएगा। दूसरा बैराज चित्रकोट जलप्रपात के नीचे बनेगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 150 से 200 मीटर होगी, जिसमें 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी स्टोर किया जा सकता है। देवभोग दूध ब्रांड अब संकट में उभरता नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों से रोज तकरीबन कलेक्शन 1 लाख से घटकर 50,000 पर आ पहुंचा है। 3 महीने में दूध की ये जो क्वांटिटी है घट चुकी है। छत्तीसगढ़ का सहकारी दुग्ध उत्पाद ब्रांड देवभोग संकट के दौर में है। स्थिति ये है कि 2018-19 में रोजाना तकरीबन 1 लाख लीटर दूध यहाँ के किसानों से कलेक्ट करने वाला देवभोग आज रोजाना महज 50 से 51 हजार लीटर ही दूध कलेक्ट कर पा रहा है। इसका नतीजा ये है कि देवभोग का मीठा दूध, 5 लीटर का घी पैकेट समेत कई उत्पाद तकरीबन 2 माह से मार्केट से गायब हो गए हैं। इसी की कमी पर आम लोगों पर सीधा असर हुआ है कि पिछले 3 माह में देवभोग दूध का रेट 3 बार बढ़ाना पड़ा है। देवभोग के आधा लीटर नॉर्मल दूध का पैकेट 24 रुपए से बढ़कर 26 रुपए हो गया है, यानी प्रति लीटर में 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह स्टैंडर्ड दूध का आधा लीटर का पैक 25 से बढ़कर 29 रुपए हो गया है, यानी प्रति लीटर 8 रुपए की वृद्धि की गई है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक मार्केट में दूध वाली बड़ी कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए, इसीलिए देवभोग को भी बढ़ाना पड़ा, लेकिन दूध कलेक्शन तेजी से गिरने की इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। 5 मौतों के बाद अब NHAI जाग चुका है, क्योंकि यहां पर बिलासपुर में अब अंडरपास बनाने के लिए हेडक्वार्टर को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हाईकोर्ट ने बदहाल सड़कों पर राज्य शासन से शपथ पत्र लेकर जवाब मांगा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रतनपुर मार्ग में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 5 मौतों के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की नींद खुली है। NHAI ने बीते दिन जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बिलासपुर रतनपुर रोड में सेंद्री के पास अंडरपास या फिर ओवरब्रिज बनाने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस SS अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश की दूसरी जर्जर सड़कों पर राज्य शासन से शपथ पत्र मांगा है। वहीं NHAI ने उम्मीद जताई है कि अगली सुनवाई यानी 12 दिसंबर से पहले तक बिलासपुर में सिंदरी में अंडरपास बनाने का फैसला ले लिया जाएगा।
मासूम की मौत के बाद चार डॉक्टरों समेत कुल 7 लोगों पर FIR हुई। जांच में सभी लापरवाही के दोषी पाए गए और सिद्धिविनायक अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। भिलाई 3 के सिद्धिविनायक अस्पताल में इलाज के दौरान 10 माह के बच्चे की मौत हो गई थी और जांच के बाद 4 डॉक्टर सहित कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में परिजनों से शिकायत के बाद जांच में लापरवाही पाए जाने पर कार्यवाही की है। पुलिस ने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीत राज प्रसाद, डॉक्टर दुर्गा सोनी, हरिराम यदु, डॉक्टर ग्रीश साहू, साथी विभा साहू, आरती साहू, निर्मला यादव के खिलाफ गैर अदालतन हत्या का मामला दर्ज किया है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदर्शन में विचित्र स्थिति बन गई। सत्ता पक्ष के विधायक प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तो उनके ही सामने मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली में आदिवासी समाज के आरक्षण के लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदर्शन के दौरान विधायक को बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस विधायक मोहित राम केरकेट्टा मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर प्रदर्शन में मौजूद युवाओं ने कुछ ऐसी हरकत कर दी कि नजारा चौंकाने वाला हो गया। विधायक की गाड़ी देखते ही प्रदर्शनकारियों ने विधायक के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं कि प्रदर्शनकारियों ने विधायक को चोर तक कह दिया और पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मिशन 2023 को साधने के लिए युवा को साधने कांग्रेस और भाजपा ने अपना अपना सोशल मीडिया प्लान बनाया है। 24,000 बूथ में कांग्रेस के डिजिटल वॉरियर्स, 21,000 वॉलंटियर्स अब भाजपा तैनात करेगी। दरअसल मिशन 2023 को साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी सोशल मीडिया में बढ़त लेने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश से लेकर बूथ तक सोशल मीडिया टीम की तैनात करने की प्लानिंग है। भाजपा जहां 2200 पदाधिकारियों और साथ ही साथ 21,000 वॉलंटियर्स की तैनाती करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की रणनीति से पहले तक सभी 24,000 बूथों में डिजिटल वॉरियर्स तैनात करने की है। कका के गढ़ में मामा आने वाले हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मामा जी का नाम भी शामिल है, यानी शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामों की सूची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी है। ऋचा जोगी पर FIR के बाद अब बवाल शुरू हो चुका है। गृह मंत्री के घर का घेराव करने निकले JCCJ कार्यकर्ता पुलिस के साथ जमकर झोमाछट की हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी पर गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के आरोप में हुई FIR पर बवाल बढ़ते नजर आ रहा है। बीते दिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री तामधर साहू के निवास का घेराव किया। JCCJ के कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झोमाछट की हो गई। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना।